लोकायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री राजा ढाले जी से बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के दलित पैंथर आंदोलन के पुरोधा हैं और महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के एक अग्रणी पुरुष साहित्यकार, जिन्होंने अनेकों प्रकार के विषयों पर, खास करके दलितों के ऊपर अत्याचार से लेकर के और क्या उनकी दर्शन होना चाहिए, बाबा साहब का पूरा दर्शन और जीवन से उन्होंने बहुत प्रेरणा लेकर के बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम यहाँ पर किए हैं। हम उनके पूरे जीवन को आज उनके मुंह से पूरा सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये आंदोलन आगे बढ़ा, क्या उनके सोच है, किस प्रकार आगे होना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के प्रति आप पहली जो आकर्षण था वो कैसे हुआ? देखिए, जिस भूमि में मैं पैदा हो गया हूँ, महाराष्ट्र, उसमें अंबेडकर ये नाम हर दलितों के मुंह में, हर बैकवर्ड क्लास के आदमी के मुंह में होता है जी, और जन्म से उसके कान में वो मंत्र जाता है जी, कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। तो ऐसी जगह मैं पैदा हो गया एक देहात में, तभी भी मेरे जो पिताजी थे जी, उनके लिखने में भी 1938 में कि बाबा साहब आप बुद्ध जैसे हो, ऐसा उन्होंने एक खत में लिखा था बाबा साहब, वो भेजा है ना मालूम, मगर उसकी कॉपी मुझे मिली जब मैं गांव गया जी, था जी, जी। तो वहाँ से मैं चार बरस गांव में रह के फिर इधर आया मेरे माँ मौसी के साथ जी, और फिर इधर जिधर आया तो इधर वर्ली करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अम्बेडकराइट लोगों का ही क्षेत्र है जी, और उधर जो जयंती होती है वो दुनिया में कहाँ पर नहीं होती, इतना जल्लोस होता है जी। तो वो पहले से मैं देखते आया, और फिर मेरे में से एक चित्रकार, एक कवि, एक लेखक उजागर होते जागुट। आपने तो आंदोलन के लिए जो है अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, उसमें क्या बड़ी बात है, नौकरी जैसी पकड़े वैसी छोड़ी, क्योंकि खाने के लिए मिलता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं खाने के लिए जो नौकरी करते पेट के लिए वो मूर्ख लोग हैं, खाने के बजाय दूसरा भी कुछ है यहाँ पर, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, ध्येयवाद होना चाहिए, वो हर एक आदमी में नहीं होता जी, बिल्कुल। तो मेरे फैमिली में फैशन ये थी कि मेरे सब चचेरे भाई, सगे भाई, ये सबसे मैं छोटा था, इसलिए मुझे सब तरह की मदद करते थे, और मैंने सीखना चाहिए उनसे भी। एक तो भाई मेरा डॉक्टर था जी, मगर तो वो MBBS नहीं था, क्या BAMS का क्या होता है, BAMS हाँ वो था। तो वो पहले पढ़ा लिखा आदमी, जब सिद्धार्थ कॉलेज यहाँ पर चालू हो गया जी, उसके शुरू के स्टूडेंट में का वही स्टूडेंट है, बाबा साहब के साथ उसका फोटो भी है। अच्छा, तो इससे मुझे प्रेरणा मिल रही थी ये वातावरण से, और इसलिए मैं चित्रकार था पहले, उसका फिर कवि बन गया, उसका फिर लेखक बन गया, और इस आंदोलन में मैं आ गया जी, जो यहाँ पर आड़सूल और रनपिसे करके वर्ली के दो राइटर्स थे जी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ बाबा साहब के मार्गदर्शन के नीचे उन्होंने खोला था जी, और उसका मैं मेंबर बन गया 15 वर्ष की उम्र में। ये कौन से साल की बात होगी? ये करीबन 1954-55 मैं 1940 में पैदा हो गया जी, 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 ये ख्याल में। तो जब बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो आप उस समय, तो फिर जो विद्यार्थी लोगों की पहली मीटिंग हो गई वर्ली में जी, वो बाबा साहब गुजरने के बाद 6 महीने के बाद हो गई, मई महीने में 1957 के, उसका मैं सेक्रेटरी था वो विद्यार्थी संगठन का। अच्छा, हाँ, सब स्कूल के लड़के थे, लड़कियाँ थी, उन लोगों के लेके हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसमें उस संगठन में मैं सेक्रेटरी था। तो आप 6 दिसंबर 1956 को हाँ, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उसी दिन भी मैं था, और मैं उस भीड़ में, आपने को कौन पहचानता है, मगर मैं था वहाँ पर, मतलब आपने वो दृश्य देखा, चिता लगाने के बाद जी, वह जो कुछ मीटिंग हो गई सब हमने सब सुना, तो मैं उधर था, और मेरा एक भाई है मेरे से बड़ा 2 बरस का जी, जी, वो भी वहाँ पर था, वो भी उस विद्यार्थी संगठन में उपाध्यक्ष था वो। तो ये विद्यार्थी संगठन जो थे किसी राजनीतिक दल से तो जुड़े हुए नहीं, ऐसा ये स्वतंत्र, मतलब दलितों के जो सवाल को लेकर के,
अरे सवाल क्या, हमको मालूम है 15-16 वर्ष के लड़के हमने क्या क्या सब करते हैं ना, तो हाँ विद्यार्थी के ओर से भी एक श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि होना चाहिए। तो ये दलित पैंथर आंदोलन में आपकी कैसे आगमन हुआ? देखिए है कि मैं तब लाइफ दूसरे जो टाइम न्यूज़वीक जी ये जो साप्ताहिक आते थे अमेरिका से जी जी, इसमें इन लोगों के बारे में लिखा जाता था 68 के दरमियान, 68 के बारे में भी मेरी प्रेरणा थी पहले से। मैंने कुछ ट्रांसलेट भी किया है काव्य, इजिप्शियन लव पोएट्री, वो मैंने उस जमाने तभी मैं भी ये करता था जी। तो ये सब करते वक्त ब्लैक लोगों की पोएट्री से मेरा परिचय हो गया और मैंने वो भी ट्रांसलेट किया है। और ये जो कुछ चालू था उसी दरमियान ब्लैक पैंथर का सब आ रहा था 68 में, तो मैं पढ़ के मेरे दोस्तों को बताता था कि ऐसा है। तो इससे मुझे प्रेरणा मिल गई कि अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए और डट कर विरोध करना चाहिए, चाहे जान भी जाए तो कुछ हर्ज नहीं। तो ये भावना उनकी लड़ाई से मुझे लड़ने की प्रेरणा मिली जी। जी तो एक आपका बहुत बड़ा आपने लेख लिखा और आप पे जो है वो 72 में राष्ट्रद्रोह का जो है पूरा केस चला, तो जो पैंथर की शुरुआत हो गई जी। और वहाँ पर मराठवाड़ा में ब्राह्मण गांव करके परभणी की इलाके में ये गांव था, तो वहाँ की दो कलावती और दूसरा कुछ तो नाम है अभी भूल गया जी, मेरे राइटिंग में है वो आई। अच्छा, है तो इन दो स्त्रियों को उनके खेत से गुजरने के कारण जी उन लोगों ने नंगे करके उसकी मिरौनुक निकाली। अच्छा, तो घुमाया और वो पेपर में आया, तो मैं खुद वहाँ गया। अच्छा, मैं खुद वहाँ गया, उन लोगों को पूछा और फिर रात को उधर मीटिंग हो गई परभणी सिटी में जी। तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट वगैरह भी हाजिर थे, तो मैं बोला सब जितना बोलना है वो, तो मेरे ऊपर केस भर दी फिर जी। फिर एक महीने के बाद वो समझ लेके आया वो कोर्ट का जो कुछ होता है, एक बुढ़ा आदमी आया, तो मैं इधर सोया था, तभी हमारे घर में इतनी गर्दी नहीं थी जी। लड़की छोटी थी और मैं मेरी वाइफ और इधर चटाई पर सोए थे, तो आके 5 बजे खटखटाने लगा लकोन है, तब मैं फलाने फलाने कोर्ट से आया हूँ, जब आने दिया उसको, क्या चाहिए? तर आपके ऊपर वारंट है और आपको तुरंत चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा ऐसा देखो, मतलब मैं आता नहीं करके मतलब बताओ तुम्हारे मैजिस्ट्रेट को, जाओ क्या करना है करो। तो फिर बाद में पहले जो टाइट बोलता था ना वो फिर हाथ से साहब मेरी नौकरी जाएगी ऐसा मतलब मेरे खिसे में है क्या कोई जामीन ऐसा कैसा मैजिस्ट्रेट बोलते हैं जी। तो मतलब फिर वो जात मुतलका करके होता है अपने हाथ से लिखा, मैं खुद जबदार हुए और मैं आऊँगा ऐसा मैंने लिख के दिया, गया। 1972 की इंसिडेंट है ये 72। तो आपने लिखा क्या था जो आपके खिलाफ लोग इतने मैंने ये कहा था, राष्ट्रध्वज आखिर एक फड़का है जी, इज्जत और बाई जो पहनती है वस्त्र वो भी फड़का होता है, तो ये फड़का और वो फड़के में क्या फर्क है? जिसको कलर 3 दिया होता है तो उसको राष्ट्रध्वज कहते हैं, वो उसका अपमान हो गया अगर खड़ा नहीं हो गया तो 350 रुपए दंड होता है। अच्छा, और इस ये जो अपराध किया है महिला का उसको 50 रुपया दंड है। अच्छा, उसमें 50 रुपया दंड था। और मतलब कुछ 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 और आरोप कुछ नहीं लगे कि अरे ये लिखा ना मैं उसमें जी जी लेख में लिखा है लेख में, और वो एक समाजवादी लोगों का पेपर था साधना जी वीकली, उसमें छपवा दिया, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो के, क्योंकि तभी मैं बीए हो गया था, एमए कहता स्टडी कर रहा था, पढ़े लिखे और इतना बड़ा राइटर हो के तुम अपने प्रश्न क्यों नहीं लिखते, तो मुझे वो समाजवादी लोगों को देना नहीं था। अच्छा, वो साधन सुचिता आती थे इसलिए मैंने लिखा एक सेंटेंस कि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों,
तो इसके बारे में बहुत अंडर मच गया, यहाँ की बहुत वो विदुषी मराठी की दुर्गा भागवत जी, उसने मेरे खिलाफ लिखा, क्योंकि मैंने उसका अपमान किया था। वो नामदेव साहब की किताब के किताब जब पहले निकली, उसका उद्घाटन उसी वक्त हो गया था उसी वर्ष, और वो बोलने वाली थी, तो उसके सब मुद्दे में अच्छा आप भी सुप्रासाट किए जी जी। तो लोग को पांचरज लगा, ये कितने विद्वान आ रही, ये कौन है नया लड़का जी, तो वो लपड़ा हो गया था। तो उसके दिल में था वो इसको कि तू पकड़ने का, तो ये मैगजीन में पढ़ा, और उसने वो उसकी एक विश्वस्त थी उस मैगजीन की। अच्छा, तो बहुत बड़ा लपड़ा हो खड़ा हो गया। ये केस किसी ने आपके खिलाफ में फाइल किया या सरकार ने अपराध देख करके? मैंने फाइल किया होगा, फाइल किया किसी ने जानबूझ के किया, जान सरकार ने किया होगा शायद, मुझे मालूम नहीं कौन। पर आज वैसी चीजें आ रही ना फिर इतने साल बाद कि राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र, हाँ ठीक है, हो जाइए। उसको मैंने उत्तर दिया फिर जी पेपर में, भाई ने जो लिखा मेरे खिलाफ उसके, उसको मैं मुंह तोड़ जवाब देने के बाद फिर वो चुपचाप हो गए सब। आस्ते आस्ते 6 दिसंबर को उसी वर्ष के सवेरे ही वो न्यूज आया कि राजा डाले को फ्री कर दिया। उसने आपको गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार नहीं किया, मगर मेरे ऊपर ये वो वापस लिया। अच्छा, वापस सरकार ने वापस लिया, क्योंकि दबाव बढ़ते गया ना, मेरा संगठन और स्ट्रांग बन गया। तो इससे जो है दलित पैंथर काफी नाम उसका हो गया, ये इसी कारण हो गया। ये जो दुर्गा भाई भागवत का मैंने जो जी 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 मुंह तोड़ जवाब दिया जी, और मैं नीडर आदमी था, डरता नहीं था किसको, पुलिस को भी नहीं, तो वो इससे हो गया। तो और मेरे कुछ सवर्ण दोस्त थे जी, तो वो मुझे उकसाते थे, अरे तुम चुप क्यों बैठे है, लिखो इसको, इसको जवाब दो, नहीं तो तुम जा रहे। मतलब जवाब दिया है मगर संपादक छपवाता नहीं। फिर वो मेरे साथ आए और उन लोगों ने उनकी ये गोविंद तवर करके संपादक का मार जी, जी, उसके कैबिन में जाके उसको उकसाया, राजा राजे का खत क्यों नहीं छपाया, नहीं हमें 2-4 दिन में छपाएंगे, कब, इसको फांसी होने के बाद। अरे मैंने 2-4 चाय लाओ रहे, तो क्या समझते हो आप, तो उसको मालूम हो गया हिंट दिया करके, या क्या मैं चाय के लिए कुछ पत्र छपता हूँ, छपवाता हूँ। कौन है रही है? आओ, कौन आता है बाहर से, हम 3 लोग अंदर थे उसके कैबिन, हम निकल आए। तो ऐसे बहुत से ये हो गया, तो उसमें मेरे सवर्ण मित्र भी मेरे साथ हो जी जी जी, जी, जी। तभी तो जो ये पहला जो पैंथर का एक बहुत बड़ा जो नाम महाराष्ट्र के अंदर जो उसकी ताकत का एहसास हुआ, ये इसका कारण पुणे में जी उस विकले के खिलाफ कांग्रेस वाले दूसरे कुछ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन करते थे, इसलिए हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया। 60-70 लोग हम यहाँ से लेके गए, बम्बई से विद्यार्थी नाइट हाई स्कूल के जी जी। हाथ में जो मिले वो लेके गए, तो उससे वो वातावरण वहाँ पर, पूरे पुणे में हम बम मारते घूम के वो शनिवार वाड़ा पर पहुँच गए, उधर उसका ऑफिस था, तो इससे माहौल बढ़ गया। तो आपकी जो पूरी दलित पैंथर का जो सारा था आंदोलनात्मक रवैया, वो आस्ते आस्ते कारवा बनता गया। फिर तो जो मराठवाड़ा का पूरा आंदोलन आपको और ऊपर देखो, प्रसिद्धि के लिए हमने करने आंदोलन को मजबूत करने के हम लोग अपने आप खड़ा हो रहता है। फिर अगर सामने का आदमी अच्छा है, भगोड़ा नहीं है जी, तो आंदोलन होता ही है, चलता है। तो मराठवाड़ा आंदोलन की क्या किस पर कुछ उसका वहाँ पर जी, हम लोगों को विद्यार्थियों को जो कुछ ये मिलता है गवर्नमेंट से हर बरस स्कॉलरशिप मिलती है, वो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो 1974 में हम लोग मराठवाड़ा में गए, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कुमार सप्तेश्वर बाकी लोग ये हमारे लड़के लोगों को उकसा रहे थे, और ये हमारे संगठन को धोखा था ना, अगर उनके साथ गए तो हमारा अनुयायी कौन रहेगा। इसलिए मुझे वो उधर के गंगाधर गाड़े करके पैंथर का नेता था, उसने बोला कि तुम तुरंत आओ इधर, ऐसा ऐसा आंदोलन चालू हो गए। तो हम लोग गए, तो ये वो नक्सल वन में ऐसे बैठे थे सब लड़के, मतलब क्या हो गया था ऐसे, मतलब आज मीटिंग मत लो कल लो, आज प्रचार करो पूरा, ये सब घुमाओ तुम्हारी मशीनरी ये रिक्शा करके वगैरह वगैरह। अब दूसरे दिन मीटिंग हो गई, तो हम बोलने में तो बहुत प्रख्यात थे और लोग भीड़ भी इकट्ठा, तो इतना कुछ बोले तो वो भाग गया कुमार, आधी सभा में से भाग गया, सामने हम दिखता था ना, तो वो भाग गया। उसने देखा कि अभी सभा बदल रही है जी, सब चेंज हो रहा है, आपका फिर अभी अपने को मार पटने वाले, तो अभी भी जिंदा है वो, पर भाग गया हो।
इतना टेंशन था, इतना इतना विरोध क्यों बाबा साहब के नाम पे करने पे? बाबा साहब जैसे विश्वविद्यालय क्या क्या दिक्कत? देखो सवर्ण लोगों के दिल में नहीं है बाबा साहब, हमारे दिल में है वो, हमारा आदर्श है, उनका नहीं है। उनको जो इबरत मिलती थी, उनको जो महत्व मिलता था, इम्पोर्टेंस मिलता था, जाति के कारण मिलता था, ऊंची जात है इसका ही उसका एक प्लस पॉइंट था, बाकी क्या उनमें है? इसलिए वो झगड़ते थे, हमारे खिलाफ होते थे। हम लोगों को स्कॉलरशिप बढ़ा के चाहिए, इसमें इसका क्या जाता था? ये देने वाले थे, गवर्नमेंट देने वाले थे, पर तो ये क्या कर रहे थे कि फिर खाना करके दे, हम कुछ तो कुछ सहानुभूति अपने लिए बना रहे थे, अपनी संगठन घुसाने के लिए। जी जी, हमने खदेड़ दिया उन लोगों को खाली भाषण पर। जी 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 जी, लेकिन हमारे साथ जी इतनी भीड़ थी ना, सभा समाप्त होने के बाद एक लड़का था, उसने चाकू निकाला आ रहा था सबको बता, रिक्शा वहाँ उस गर्दी से निकाल ली और हमको सुरक्षित पहुँचाया। वो अभी नहीं है, मर गया वो, मगर ये इतनी डेरिंग कर देते, कोई भी होता है गर्दी में कोई भी। लेकिन नामांतरण में बहुत हिंसा भी हुई, बहुत दलितों पे अत्याचार, दलितों पर अत्याचार हो गया था उस वक्त भी। मैं वहाँ था ना, मैं गया था, और उस पर कई लोगों ने कहा कि पिछली जाति के लोगों ने बहुत उसमें भूमिका निभाई, खासकर कशी बसेना के लोगों ने। तो अभी कौन कौन, ये सब एक ही है। अच्छा, हिंदू सब एक ही है, मूर्ख जो जितने हो एक होते हैं, वो अपने खिलाफ करते हैं। तो एक बार मैंने उधर अधिवेशन लिया था ये नांदेड़ में जी, और गुरुद्वारा से करीबन 40 तलवारें लड़के लोगों ने नागपुर से आई थी, इधर से खरीदी की थी एक दिन में। पुलिस को सब रिपोर्ट जाता था कि क्या चल रहा है। जी जी जी, किसी ने उठाया नहीं। मगर तो कभी पुलिस वाले ने आपको नक्सलवादी तो नहीं बोला? नहीं, उनको मालूम था ये असली एम्बेड करवा के उसको। क्योंकि कई लोगों ने दलित पैंथर को जो है वो वामपंथी नक्सलवादी आंदोलन, इसका कारण ये नामदेव सबसे संबंध रखता था। अच्छा, मुझे क्या डर है, मैं अकेला घूमता था, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कुछ नहीं, किधर भी जा तो मैं डेरे रही, सबको मालूम था। मगर ये आदमी सबसे मिलता था, मिलनसार था या कुछ लाचार था बोलो, और इसने ये इन लोगों से कम्युनिस्टों से ज़्यादा दोस्ती की। अच्छा, मेरे भी दोस्त हुए थे, मगर मैं उनके इसमें नहीं, चंगुल में नहीं फंसा। मेरे वकील जो वर्ली के दंगल के इससे है ना, सब कम्युनिस्ट थे, ये प्रजा समाजवादी था, वो छोड़ो, मुख्य वकील तो डीजी प्रभु करके, दूसरा कमलाकर सामंत था वो कम्युनिस्ट था, और तीसरा सुनील दिघे ये नक्सलवादी था। अच्छा, पहला नक्सलवादी मुंबई का वो। अच्छा, छूट के आया फिर इसमें वकील बना। पर नामदेव तो, नामदेव जी तो बाद में शिवसेना के पास भी चले, उसको ऐसे कैसे हो जाए? पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं था उसके पास, वो कोई क्रांतिकारक नहीं था, उसने अपनी प्रतिभा वैसी बनाई है पेपर वालों से इनसे मिल के। हाँ, विद्याचरण शुक्ल का वो चमचा था, इसलिए पद्मश्री उसको मिली उस वक्त, मालूम है ना विद्याचरण शुक्ल था, इमरजेंसी के प्रसिद्ध शुक्ल। तो ये ऐसा नामदेव है, इसके दो चेहरे है, वही क्रांति बिंदी कुछ है, पेट के लिए कुछ भी करता था वो। कई बार लोग बोलते हैं कि जो जो हमारे लोग हैं वो उनको कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इस कारण से शिवसेना में चले गए, उनकी हालत बड़ी खराब थी, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, शिवसेना में कोई गया नहीं, ये अफवाह है। मैं शिवसेना में नहीं गया, लेकिन सामना में लिखते थे ना? सामना में कौन लिखते थे? नामदेव जी। अच्छा, उसके वाइफ भी काम करती थी उधर। अच्छा, बाद में ही, बाद की कहानी है। लेकिन केवल यही होता था कि कैसे एक ऐसे अखबार में जो कि देखो घृणा फैला रहा है। नामदेव कोई नीतिमान आदमी नहीं था, किसी भी तरह की नीति उसके पास नहीं था, स्वार्थ एक नीति थी उसकी। तो लोगों ने जो बताया है कि लिखा है, ये सवर्ण लोग हमें खच्ची करने के लिए उनके बाजू से लिखते थे। अच्छा, उनका प्रोग्रेसिव लोग, उनका थ्रू एंट्री। हाँ, इनका चमचा ये था। तो तीसरा आपका जो बड़ा आंदोलन, एक रिडल्स के जो बाबा साहब की पुस्तक थी, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको क्यों बंद कर दिया? वैसे तो खूब पब्लिश करने की उसमें ये क्या, बाबा साहब की किताब में जो कह कुछ आया था ना ये खंड में, रिडल्स ऑफ रामकृष्ण, रिडल्स ऑफ रामा, तो उसके बारे में वो शिवसेना वाले बम मारते थे जी। तो मैं भी उसमें दरमियान था, शंकरराव चौहान के पास हमारा जो निवेदन देने के लिए मैं अंदर था हिंसा बड़े लोगों के साथ, तो मैंने ही वो ड्राफ्ट की बनाया है। अच्छा, समझौते का जी मेरे हाथ से है। अच्छा, और उसके सबके साथ ये हो गई। तो बात ये है कि एक मूर्ख क्या कहता था, ये जो अभी भुजबल
उसमें था, वो क्या बोलता है इसके ऊपर तरतीब दो कैसे ऐसे ये लेखा मुखी है करके। मैं बोला कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री के सामने तरतीब किधर देते हैं, नीचे देते कि ऊपर देते हैं, इतना समस्या है तुमको। सब हंसने तो भुजबल साहब को तो बोला जाता है कि वो तो बहुजन काय का वो माली है, ये ज्योतिबा फुले के जात में पैदा हो गया है, मगर चमचा उनका है, सवर्ण होता है वो, अभी गया है ना खड्डे में। तो ये लफेंगे लोग थे। अब मैं कभी इनको डरते किसी के मुख्यमंत्री के सामने उसको बोला किधर देते हैं तो फुट नोट कहाँ देते हैं उनको मालूम है क्या। तो रिडल्स के आंदोलन ने जो है दलितों की ताकत का एहसास कराया महाराष्ट्र के अंदर, ये आप मानते हैं? रिडल का जो पहला आंदोलन हो गया, पहला मोर्चा हो गया जी, तो एक कांग्रेस वाला दोस्त शिवाजी क्या उसका नाम था आगे जी, प्रोफेसर था वो जी। और लेके गया होटल में हमको चाय पीने के लिए खत्म होने के बाद। तो बोला कि नहीं नहीं अभी अगले मोर्चे का तुमने क्यों अनाउंस किया, अभी तुम्हारा यशस्वी नहीं होने वाला है। तो मैं बोला इससे दुगना होगा और मेरा सही निकला। तो ऐसे भी लोग थे हमारे चमचे कांग्रेस में जाके उधर से हमको तीर मारते थे, ऐसे लोग थे। उसको बोला और मेरा सच हो गया, उससे भी ज़्यादा निकला भी दूसरा जो मोर्चा था बहुत बड़ा। तो ये जो कहीं कुछ हिस्ट्री हुई है ना, इससे सवर्णों को मालूम हो गया कि एक साल एक लोग बहुत ताकत है, हाँ वज्रमूठ है ये जी, जी, जी। तो इसको खरीदने वाले फिर बहुत होते हैं ना बाजार में। तो क्या यही कारण है कि जब जब आपकी ताकत बढ़ने लगी तो उसको तोड़ने के पूरे प्रयास होने लगे? नहीं नहीं ज्यादा प्रयास नहीं हो गए, क्योंकि हमारी ताकत बहुत अच्छी थी। एक नामदेव धर छोड़ के सब लोग इकट्ठे साथ थे। वो दिशा भूल करते, पेपर वाला ऊपर जाता था उसको कुछ भी बात जाता था, कुछ भी छपवा के लाता था। तो ये बात हो गई, एक आदमी यानी एक मछली होने के बाद सब तालाब को गंदा कर देती है, वैसा हो गया। आप ये मानते हैं कि दलित पैंथर को जो नुकसान हुआ है वो नामदेव दसाल की वजह से? बराबर है, क्या गलत है उसमें। और मैंने जो किताब लिखी है दलित पैंथर वस्तुस्थिति एंड विपर्यास, उसमें ये सब आया है। मैंने जो क्वेश्चन किए इन लोगों को, एक ने भी उत्तर नहीं दिया। जो तो बताता था कि मैं संस्थापक हूँ, फिर मैंने उसको क्रॉस किया है तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उत्तर कोई नहीं दे सका। आपको मालूम है वो किताब मेरे को दिया, मैंने देखा देखा ना। हाँ तो नहीं तो फिर इधर से निकालना पड़ेगा, मेरी वाइफ ने कुछ तो लिखा है जी, जी जी जी। तो बात ये है कि आप समझ लो कि ये ऐसे घर भेदे लोग होते, वो नवी तक शिका था, नवी दसवीं भी नहीं, नवी उस जमाने में स्कूल छोड़ा था, ऐसा ड्रॉप आउट आदमी वो क्या लायक था, कुछ भी लिखता था और लोगों हाँ हाँ, क्योंकि प्रशंसक निर्माण किया उसने कम्युनिस्ट हो के, वो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा चमचा था। आप भी शायद हो गए कम्युनिस्टों से, आपको क्या बात ये है क्या विरोध है हमका? हमारा विरोध ये है कि हम हिंसाचारी नहीं होने चाहते, हम नक्सलवादी नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारी जमात छोटी है। मुझे भी काट देंगे और मेरी जनता को भी हम काट देंगे। लेकिन आप तो बहुत ताकतवर हो गए अभी। अरे कैसा, हम मरने के लिए डरते नहीं, मैं तो मरने के लिए डरता ही नहीं कभी। लेकिन बाकी लोग डर रहे हैं अभी? नहीं जो बाकी भी मेरे साथ जो थे वैसे नहीं थे, एक नामदेव छोड़ के यहाँ भाग गया वर्ली के दंगल में, तो शुरू में ही भाषण किया और भाग गया। तो राजनीति में तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि राजनीतिक लोगों ने जो है वो हमेशा, अभी रामदास को उन्होंने खरीदा ऊपर जाति वालों ने, उसको मंत्री बनाया है, क्या क्या केंद्र में अभी मंत्री, इतना मूर्ख है वो, ऐसा मूर्ख आदमी दूसरा मिलेगा नहीं, हंसते है सब लोग। वैसा ही नामदेव है, उसके पहले का नामदेव है। तो ऐसे जो कुछ कच्चे धुए मराठी में कहते हैं रॉ मटेरियल बोलो, तो हमारे में होता है उसको, हमें थोड़ा सा रोकथाम लगाना पड़ता है हमारे मूवमेंट को, आत्मपरीक्षण करना। तो हमारे मूवमेंट से लोग बिक कैसे जाते हैं मुझे क्या मालूम, उनको पूछो ना। तुम जो बिक गए उनको पूछने का, अभी आप ऐसा कीजिए दिल्ली में जाइए और रामदास को बोलो और वहाँ से मुझे फोन लगाओ फिर। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे 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 भाजपा का पास में हिंदुत्व के पास में संघ परिवार है, अरे पैसा खाने को मिलता है इसलिए जाते हैं वो, सांस्कृतिक उनके पास में एक संगठन है, हम लोगों के पास में कोई ऐसा सांस्कृतिक ताकत नहीं है। क्यों नहीं है, बनाना नहीं देते ना, वो खरीदते है ना, मैं नहीं खरीदता किसी को,
स्वयं स्फूर्त आता है वो पहला आदमी होता है, नहीं होता है तो जाओ। तो ये बात है कि कुछ लोग पेट भरने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऐसे बहुत लोग आए। अभी अभी का जितना भी संगठन है उसके अलग अलग गुट है, वो इसी कारण है कि पेट भरने के लिए। किसको मिलेगा तो नेता बनने के बाद मिलता है, खाली कार्यकर्ता बने फिर अपना गुट बनाओ, ऐसे ही मोड़ तोड़ करते जाते हैं। अभी ऐसा नहीं लोग आते कि जिसे बोलते हैं कि स्टेट्समैन टाइप ऑफ पर्सन, की जो बोलते हैं कि मेरे हित किनारे हैं और मैं समाज के लिए जो है सबको इकट्ठा करता हूं। देखो सबको सब मालूम होता है, हाँ सबको सब मालूम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का आदमी हो या घर का आदमी हो या समाज का आदमी हो, सबको मालूम है कि बदमाश कौन है और अच्छा कौन है। मैं जिंदा क्यों हूँ फिर इतने दिन, मेरे इर्द गिर्द सब शिवसेना वाला ये फलाने सब रहते, मेरे को कोई ऐसे करते कि कोई वोट नहीं करे, क्यों? उनको मालूम है ये सरल आदमी है, अगर ये हो जाएगा तो क्या क्या होगा, तो चुपचाप है सब। इन लोग दोस्ती करते हैं उनसे, क्या जरूरत है? यानी सही में ये दलित माइंड के लोग हैं, रिवोल्ट है उसमें, रिवोल्ट नहीं है। दलित तो रिवोल्ट का प्रतीक बोलते थे आप लोग जब यार बनाए। देखो ये नाम क्या दिया और क्यों दिया, अभी हम क्या जानवर है क्या पैंथर कहने के लिए? आप मैं बोलता हूँ कभी कभी जी, अरे तुम पैंथर में थे ऐसे तो पैंथर नाम आज, मैं बोले चुपचाप रहो, हम मूर्ख थे उस वक्त, अभी भी नाम रहना चाहे क्या? तो जानवर नहीं है हम, यहाँ आदमी बनने के लिए हमारा लड़ा है और बाबा साहब हमारे देते हैं, हमने एक नाम दिया डरवाने के लिए, उसका मतलब ये हो गया क्या हम जानवर बन गए? तो आप ना तो रिपब्लिकन से कभी जुड़े ना बहुजन से कभी जुड़े? देखो रिपब्लिकन ये राजकीय पार्टी है, बहुजन बहुजन राजकीय पार्टी है, मेरा जो है सोशल वर्क है, सोशल पार्टी है, उसमें पैसे का आदान प्रदान होता है ये पार्टी का, इसमें मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो कुछ मिलता है सम्मान इसलिए मिलता है कि अभी तक बेचा नहीं गया, बिका नहीं गया। यार जो आप लोगों ने पहले आपका जब पैंथर का आप बना रहे थे उस समय आप लोग कह रहे थे कि असेंबलीज में और पार्लियामेंट में जो हमारे नेता जानते हैं कौन कौन तो कुछ काम नहीं कर पाए, नहीं काम कर पाए नहीं, इसलिए तो हमारी हालत ये है ना, अगर काम करते तो ऐसा नहीं होता, हमारे ऊपर इतनी केसेस होती थी, एक ही आदमी ने हमारी केस नहीं चलाई। मेरा वर्ली का कांड हो गया ना, तभी मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया नायगांव में, काले करके था, बहुत कड़क आदमी था वो मैजिस्ट्रेट, तो उसने पूछा मुझे तुम्हारा वकील कौन है, तो मैंने सामने देखा तो करीबन 30 से 40 आदमी कोर्ट डाल के हमारे ही बैठे थे सब। अच्छा, वकील अच्छा। एक नहीं ऊपर नहीं देखा, तो पीछे से एक आदमी भागते भागते आया कि मैं हूँ कर, वो था वो जिसका मैंने प्रभु का नाम लिया ना। अच्छा, वो सब प्रजा समाजवादी पार्टी का आदमी था। अच्छा, और उसने मुझे कान में पहले ही बता दिया, राजा एक केस के लिए तुम्हें 4 बार अटक करने गए हैं ये लोग, तुम यहाँ से भाग जाओ, अभी जहाँ ये हो जाएगा ना जेल अब बेल, तुम जाओ भाग जाओ। और मैंने वैसा किया, तो भी मेरे पीछे गाड़ी लगी थी सायन तक, और हम टैक्सी बदलते बदलते फिर ये बुलेट में पहुंचे झोपड़पट्टी उधर मेरे यहाँ। तो ये जो कुछ है ना, हमारे लोगों में लड़ाकू वकील नहीं है। अभी मैं रुपोते साहब का लड़का है संग्राज रुपोते, उसको यही बताए, तो मेरे साथ एक दिन इधर आया, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? मतलब ठीक है, मगर रुपोते साहब ऐसा कीजिए, आप लीडर बनने की मत सोचिए, आप अच्छा वकील बन जाए, लीडर बनो। जी 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 हाँ, उस दिन से जो गायब हो गया हो, अभी कल पर 6 तारीख को मुझे मिला आके उधर, मेरा ये कर रहा था। अभी अभी आप बोल रहे हैं कि उस वक्त मैं क्या उसको बोला कि तुम लीडर बनो और हमारी सब केसेस जो है ना उसके बारे में लड़ने वाला एक अच्छा वकील तैयार हो जाएगा। बात ये होगी कि मेरे पास से वो चले गया और एक बरस के अंदर उसके ही गाँव के इर्द गिर्द 6-7 अत्याचार अभी तक हुआ नगर में, इसलिए वो रिपेंट हो गया था, इसलिए परसों माला आके मिला। ब्राह्मणवाद जो है वो अंतर विरोधों पे जीता है, कॉन्ट्रडिक्शन पे, दलितों के पिछड़ों के इसके उसके। देखो इस उनको के विरोध करने के लिए कोई आदमी नहीं था पहले, ये अभी अभी शुरू हो गया 200 बरस में, जैसे कि आपने दास का लिया, आयुथी दास का नाम लिया, उसके बाद ये नरसो है, बाबा साहब है, ऐसे लोग बाद में अभी पैदा हो गए। ऐसे ऐसे जब हम बात करते हैं जैसे बहुजन अभी बड़ा बड़ा लगता है, सबका मूर्ति लगाते हैं,
तो वो बोलते हैं कि बहुजन ये जो क्या है ना, ये सवाल में मेरे लिए पूछना चाह रहा कि जैसे बहुजन में जब बात आती है तो वो बोलते हैं कि मतलब काश बाबा साहब पिछड़ों के नेता होते, तो हमने कहा कि आपको बाबा साहब को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ये इस तरह से कैटेगरी करके कि कौन से मैंने कांशीराम के बारे में हाल ही में लिखा था ये जनता करके पेपर है उसमें जी जी। तो मैंने बताया कि बाबा साहब ने जो कहा अनिलेशन कास्ट में जी। जो कहा सीधा पूरा उसके उल्टा इस आदमी ने किया है, कैसा किया है उसका मैंने सब दिया है। हर एक जात का एक आदमी थे, उसने जाति का निर्मूलन करने के बजाय हर एक जाति को पुनर्जीवित किया। उनके जात का कोई संत है भैया नहीं, उसका फोटो है या नहीं, कुछ भी बनाओ और 17-18 फोटो 18-20 फोटो आ रहे हैं काय को जाने बाबा साहब का इफेक्ट पूछ ये करने के लिए। माफ कीजिए अभी आपके जात के ऊपर आया है इसलिए नहीं, नहीं। मगर बात असली ये है कि इन लोगों ने इतना फोटो लगाने की जरूरत थी? बाबा साहब का उसने क्या पढ़ाया? ये सब जो लोग थे उल्लू मशाल थे, माफ करा साहब तुमच्या गावाकडे पण आहेत जी जी मोठे आहेत ते नहीं, वही सवाल वही आ रहा था कौन, कोई अभी अभी जो अभी आपने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, अभी तो सब लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है दलितों में। किधर किधर नागपुर में ऐसा बोला जाता है मगर असलियत नहीं है। सहूलती के लिए यानी सेफगार्ड्स के लिए गवर्नमेंट के ये लोग इधर बौद्ध हैं इधर कागज पर ये है, ऐसे कितने तो लोग हैं। मतलब कागज पे तो अब जब सरकार ने तो कर ही दिया था ना, 1990 में शायद ये घोषणा हुई थी आप लोगों का। देखो बौद्ध नव बौद्धों का इसी उठा था। नव बौद्ध मन कहने से क्या मतलब है? मुझे एक मालूम है कि ये लोग डरपोक है, हमारे लोग डरपोक लोग हैं। अरे इतनी संख्या में आते थे ना वो लड़के भी बाद में गायब हो गए ना, क्योंकि उनके पिताजी कहते हो गए काय के लिए तुम मरने के लिए जाते हो, ये करते हो वो करते हो, नौकरी करो सीधा। साहब हर एक का ये धंधा होता है, इसलिए कार्यकर्ता अच्छा तैयार नहीं हो गए उसमें, लुटारो बाद में तैयार हो गए। आज भी यही अवस्था है। अब मुझे मिलते आए अच्छे लोग मगर मैंने कार्यकारिणी बनाई नहीं अभी 2-4 बरस। अच्छा पद मिलता है ना तो वो टुकड़ा करता है ऑर्गेनाइजेशन का, काम होना चाहिए कार्यकारिणी। कार्यकारिणी क्या मतलब है साहब, हम इक्वल स्टेटस जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों अध्यक्ष चाहिए, कुछ सेक्रेटरी चाहिए, सभी का काम सब करो। क्या क्या ये ऐसा नहीं है कि सारे हमारे जितने संगठन ज्यादातर हैं उनकी कार्यकारिणी बहुत बड़ी बड़ी है, लोग कम होता है कार्यकारिणी ज्यादा बड़ी होती। यही तो आपको समझे मेरा दर्द जो है नहीं भाई, इसलिए कि जब हम बैनर देख रहे हैं तो उसमें इतने नाम होते हैं कि फोटो नहीं दिखाई देते, नाम ही नाम। लेकिन वो बोलते हैं कि सबका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, हम बहुजन समाज है, अगर किसी समाज को नहीं। गलत है साहब, विचार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोगों का, नहीं कौन से विचार क्या है ये लोग जिनको कोई चेहरा नहीं, ऐसे लोगों का फोटो छपाने से मतलब क्या? कोई विचार नहीं जिनके पीछे, उसका क्या काम है संगठन में? तो इसका मतलब ये है कि जो जाति निर्मूलन हो सकता था वो आप जाति से बाहर आके ही कर सकते हैं ना, जातियों को बढ़ा के तो नहीं कर सकते। बराबर है, बुद्धिज्म में आना पड़ेगा या जो बाबा साहब ने दिया वो क्या गलत रहा है? क्या हाँ गलत थी क्या? तुम क्यों नहीं जाते उसमें? सवाल तो यही है, मेरा झगड़ा इधर ही है क्योंकि सब लोग कट्टर हो, मैं धर्मवादी हूँ ऐसा प्रचार करने का, फिर या अभी सब चलेगा मेरे ऊपर जितने आरोप थे ना, अभी कोई बोलता भी नहीं और कुछ एक मुझे बुलाते भी नहीं टीवी पर अभी। अच्छा उनको मालूम है कड़क आदमी है, बोला इसका कुछ फायदा नहीं। लेकिन नहीं ये बात सही बात है, यहाँ 10 लाख लोग आते हैं नागपुर में आते हैं अगर, लेकिन तब भी बुद्धिज्म की जो ग्रोथ है उतनी ज्यादा नहीं हुई इंडिया के अंदर। नहीं नहीं हो गई। अरे पहली 0 थी तो इतने लोग आते तो ये समझो कि बहुत बड़ा क्रांति हो गया ये, इससे तो डर रही है अभी। लेकिन अगर 20 लाख लोग हर साल आते हैं, अगर नए नए लोग आए तो अगर डिक्लेयर करें कि हम सब बन रहे हैं, हम क्या हम सब बुद्धिस्ट हो रहे हैं ऑफिशियली, तो आए ना वो भाई देखो बाहर वो बुद्धिस्ट है कागज पर हरिजन है ऐसा ही। लेकिन अब तो ये तो 1990 के बाद सरकार ने कुछ डिसीजन लिया था ना कि तब लिया, मगर लोगों को कोई समझता नहीं उनको भाई, ये ऑफिस के ऊपर के अधिकारी होते हैं ना वो उनको फिर ये करते हैं करते, इसलिए वो लोग तो ये करते। नामांतरण के बाद जो है मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो 1990 में आया था वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय की सरकार का। तो आप लोगों के आंदोलन काफी मंडल के समय में रहे और मंडल के आंदोलन में जो है वो
दलित पिछड़ों को इकट्ठा होने की कोशिश हुई, लेकिन फिर वो क्या लगता था? देखो अभी आस्ते आस्ते, आज भी 25 तारीख को जो होने वाला है ना, 25 दिसंबर को जी, ये जो लोग है जो ओबीसी कहते हैं खुद को, उनके प्रतिनिधि, उनके समाज के बड़े बड़े लोग अब इसमें है, ये अभी बौद्ध बनने जा रहे हैं जी, तो उनको सपोर्ट देना हमारा काम है, बड़ी तादाद में उधर हाजिर रहना काम है, क्योंकि नहीं तो अलग हो जाएगा उनका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं हो रहा। मैंने कल बताया उन लोगों को, नागपुर के लोग आए जो, ये अपन करना चाहिए और मैं भी उधर जाने वाला हूँ। तो बात ये है कि तभी भी हो रहा है वो लोग, यानी जिनको विचार दिए गए है, जैसे कि हनुमंतापा उपरे जी क्या बोलता था वो, तो उन्होंने उन्हें दिया है ना, तो वो लोग अभी हो रहे हैं और सब पढ़े लिखे हैं। तो मतलब जो ओबीसी अगर आते हैं बुद्धिजन ऑफिसर लोग उसमें आए, कोई पुलिस ऑफिसर कोई आए, ऐसे भी लोग हैं उसमें, तो जो होने वाले है ना, वो पहले होने हो जाने के बाद फिर लाइन लगेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको सबसे नीचा जिनको स्थान मिला है वो सब इसमें आ जाएंगे, इसकी खातरी करो। अभी चालू हो गया वो आंदोलन। ये जो आंदोलन सन 90 में थोड़ा सी मजबूत हुआ था, दलित पिछड़े काफी आए थे, और उसके बाद बोला जाता है ऐसा पेपर में छपवा कहता है, किधर होता है उनका क्या सम्मेलन? अब मैंने एक देखा, मैं आदिवासी की तरफ मुड़ा तो उधर मुझे दो किताबें मिली, तो प्रकृति धर्म की ओर चलो, ये कौन सा धर्म है? जिस आदिवासी लोगों के सभी झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ इसमें होती है, कंधार में होते है, डोंगर में होती है या पर्वत में होती है, और उसके उधर ही लेनी, बुद्ध की लेनी होती है। जी जी बिल्कुल। तो बुद्ध का वारसदार कौन है? ये आदिवासी लोग है, ये पहले बौद्ध थे। ये समझाने के बजाय वो जो कुछ लोग है ये ऐसा गुमराह कर रहे हैं। अभी की बात है, 16 तारीख को उनका चंद्रपुर में अधिवेशन हो गया और उसमें नया ही धर्म निकला क्या? आदिवासी प्रकृति धर्म। भारत में ये धर्म दुनिया भर के निकले, हर साल निकल रहे हैं, बाबा भी निकल रहे हैं, धर्म भी निकल रहे हैं, तो ये जो जितना हमारे यहाँ जो वैचारिक क्रांति आनी चाहिए उसको नया ने क्या, वैचारिक क्रांति आने से ही वो डर गए, इसलिए बुआ निकल रहे हैं। बहुत सारा बड़ा आपका कंक्लूजन बराबर है, लेकिन इसमें मतलब केवल ब्राह्मणों के लिए निकले, दलित पिछड़ों में बहुत निकल रहे बाबा, फोकट खाने को मिलता है ना, दलित क्या चाहिए फिर? नहीं इतने बाबा आगे हैं टीवी पर, दलित कौन कौन से अपने को बताओ, कौन कौन से बढ़िया दलित? नाम नहीं बताएंगे अब लेकिन एक बड़े बाबा है जो पिछले सालों में खूब, बहुजन बाबा बोलते हैं अपने को, आचार्य रामदेव। वो बहुजन है कि यादव है ना? क्या खाए कब? इतने साल में जो है आप, मैं जानना चाहता हूँ कि कब से आप बुद्धिस्ट हैं? क्या बुद्धिस्ट कब से आप बने? मैं बना हूँ 72 में, मेरी 72 नहीं 74 में जब मेरी शादी हो गई, भदन राम कौशलन के हाथों वो शादी हो गई, उसी वक्त भी मैं डबल बौद्ध बना, क्योंकि मैं जब छोटा था 16 वर्ष का तब बाबा साहब चले गए तो उसमें मैं शामिल था, मैंने दीक्षा ली थी जी जी। मगर ये क्या कुछ नहीं, फिर हम दोनों ने उधर ही किया। तो आपका आपकी जो आपका जो विवाह है भदंत आनंद कौशलन ने कराया? बराबर है, तो बहुत हिस्ट्री है। जी 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 जी। तो आपने भी प्रेम विवाह किया? प्रेम विवाह होता ही है, अगर जाति को एक भी हो या दूसरी भी हो कुछ भी हो, प्रेम होना चाहिए ना जी, तो होता, इसलिए मैं उनको पूछा आओ क्या, और उसने बोले आओ निकल आओ, तो मैं गया उधर किया बंद जी ने। तो भदंत आनंद कौशलन तो काफी संघर्ष किए समाज के लिए। बराबर है, भदंत आनंद कौशलन पहले सिलोन में रहते थे, उस वक्त एक बार वो 1957 में या 58 में बम्बई आए थे, बम्बई में किधर उतरे थे तो वर्ली में एक जो बुद्ध विहार है, जापानीज बुद्ध विहार है, वो किसी इसने उसी मारवाड़ी ने बनाया है, वो नाम भूल गया मैं, तो उधर आके रुके थे, उधर एक मेरा दोस्त अंदर रहने वाला था, तो उसने बताया कि अरे भदंत आनंद कौशलन लेना है, तो मैं कविता उस वक्त भी लिखता था, तो चोपड़ा मराठी का मैं उनको दिया, जब बाहर निकले छतरी वितरी लेके, दो लोग थे,
सिलोन से आए थे और जाने वाले थे उधर, तो उनको वाच रखा मैंने, वो एक पढ़ने के लिए जाता था दोपहर को उधर, बिहार में शांतता होती तभी इतना भीड़ नहीं था, तो पहचान हो गई। तो उसने लिखा सौंदरानंद और बुद्ध चरित काव्य पढ़ो उस वक्त, वो उनको मराठी आती नहीं थी, मैं मूर्ख था कि मैं मराठी करता उनको बता नहीं। जी ये लिखा उसने अभिप्राय। तो वो पहचान के बाद फिर नागपुर में गया 72 में, जब ये झमेला चालू शुरू हो गया था तभी, तो एक मोर्चा में भंते जी पहले आके खड़े रहे थे नागपुर का, हमारा पहला जो मोर्चा हो गया ना, तो क्या कुटला कौन तो चौक है वो धनौटे क्या कुछ उधर भंते जी सबसे पहले आके खड़े थे। ऐसे हम बम्बई से गए और उधर देखा तो भंते जी खड़े, तो ऐसा कोई भंते होता है क्या मोर्चा में, अब आखिर तक थे। तो ये जो उनकी यानी कमिटमेंट थी बुद्धिज्म के बारे में और बाबा साहब के बारे में, बहुत बड़ा आदमी था। तो कई बार ये होता है कि जैसे वो ब्राह्मण से ऐसा बोला जाता है और फिर बुद्धिस्ट बने, कई बार लोग उसको एक्सेप्ट, तो ब्राह्मण नहीं वो, वो क्षत्रिय है। अच्छा, उसने लिख भी लिखा है। अच्छा। हम लोगों को बताया अभी, उनके घर के लोग जब आते थे बुद्ध भूमि पर रहते थे तभी, तो उनकी एक भाई की लड़की थी किधर, तो ये थी प्रिंसिपल थी। अच्छा। लड़की लोगों के इसमें शायद लखनऊ में हो गया किधर, तो जी। वो सब मुझे मिले थे। अच्छा। उनके बड़े भाई, बड़े या छोटे भाई रहते थे, तो वो सारे लोग बुद्धिस्ट बने नहीं बने, ये नहीं अभी इस एक कुटुंब है तो मिलने को आते थे, इसका मतलब क्या है, तो बौद्ध बने या न बने इमटेरियल है ये उनके बंधु है और उनके विचार ही वैसे हो गए, नहीं तो इनको बायकॉट करते थे ना, वो आते ही नहीं थे इसके पास, तो बताते थे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप तो बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं लगातार। इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में दलित बहुजन के हिसाब से पॉलिटिकल डिसीजन कौन ऐसे हुए जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया या पॉलिटिक्स? आपका प्रश्न मिक्स हो रहा है, फिर से दोबारा पूछो। मैं कह रहा हूँ कि आजाद भारत में आप तो सन 50 से लेकर के और अभी इस दशक तक अभी आप देख रहे हैं चीजों को, पॉलिटिकल लीडर्स आए भी हैं गए भी हैं, तो देखो किस पॉलिटिकल लीडर ने आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? बाबा साहब तो खैर आप उनके पास में देखो, तो आप करते ही यहाँ पर जो मूवमेंट चला था उसका नाम फुले अंबेडकर है, खाली अंबेडकर नहीं। जी, फुले अंबेडकर। अगर फुले जी नहीं होते थे बाबा साहब नहीं, नहीं होते, बिल्कुल, तो इसलिए मैंने फुले जोड़ दिया। जी, जी। फुले ये दुनिया में से ऐसा स्कॉलर आदमी है जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पर पहला स्टडी किया है, अभी तक लिखा नहीं गया, अभी मैं लिखूंगा। जी, जी। मैं यूनिवर्सिटी में बोला कि उसने जो किया लिखा है सब तुम पढ़ो, ये सब एंथ्रोपोलॉजी है सोशियोलॉजी है, यानी पहला आदमी है ये बाबा साहब के पहले, यानी ये जो कास्ट इन इंडिया लिखने के पहले वो आदमी ने ये सब लिखा है, और अमेरिका में कैसी जाती है क्या है जी, 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 ये सब के बारे में लिखा है। तो ज्योतिबा फुले का विजन जो है ना बहुत ब्रॉड है, वो दुर्लक्षित हो गया, निगलेक्टेड हो गया, तो बाबा साहब ने ये सब अभी आगे लाए है ना, तो इन लोगों के बारे में दोबारा चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम पर जो लिखा है वो आज तक सिखाया नहीं जाता कॉलेज में या इसमें स्कूलों में, ये सिखाना चाहिए, अपनी मांग होनी चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाते तुम? अब दुनिया के एक उत्कृष्ट विद्यापीठ में सिखा हुआ बहुत बड़ा आदमी की अमेरिके का एक नंबर का विद्यार्थी है कोलंबिया विद्यापीठ का, इतना उसका प्रदेश में ये होता है सम्मान होता है, और यहाँ पर उसका नाम भी नहीं आता किताब में। तो सोशियोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी के सब किताब बदलने चाहिए और उसमें बाबा साहब का सब आना चाहिए। वो तो बिल्कुल, वो तो हाँ, और समाज क्या है समझने के बाद फिर जाति व्यवस्था कम हो जाएगी। समाज व्यवस्था वैसे ही रखने की, उसके खिलाफ कोई लिखा नहीं करेगा, ऐसा देखने वाला जो ये समाज है ये एजुकेशनिस्ट है इनको बदलना चाहिए, इनको क्या आता है, ये लिखा क्यों नहीं गया अभी तक? क्योंकि बाबा साहब की किताबें अगर आ जाएंगी क्लास में तो पढ़ाने के लायक ना नहीं, वो लोग लायक नहीं है, इनके सिस्टम को झटका लग जाएगा। झटका लगने के लिए बाबा साहब है ना,
अरे क्या बात करते, वो उनको लगवाने का नहीं है। देखो पुरुष सूक्त है जी, पुरुष सूक्त में जो पुरुष है उसको मुंह है, उसको बाहु है, उसको क्या है, उरो भाग है जी, और पैर है, इसका दिमाग किधर गया? अब मैं पूछने वाला एक लिखता हूँ, इसको भी दिमाग कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं, बुद्धि क्यों नहीं उसको, खाली मुंह है खाने के लिए ब्राह्मण लोग जी जी जी। तो ब्राह्मणों ने अपने को अलग रखा है उससे, पुरुष सूक्त अपने को यानी जो कुछ भेजा है उनका, तो उसके तरफ किसी ने जाना नहीं चाहिए, खाली ये देखना चाहिए पुरुष का। ये सब भंकसबाजी जो है ना, इसके ऊपर हल्ला और होना चाहिए तीव्र। तो हल्ला इसलिए नहीं हो पाता कि जैसे हमने कहा पॉलिटिकल सिस्टम, आप कह रहे हैं कि लोग ऐसे हैं कि जो आसानी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कैसे? अभी देखो ऐसे लोग आने वाले, इनको कुछ तालीम है कि किसकी अच्छी, इतने बाबा साहब हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, कबीर हो गए या फुले हो गए, इनका कुछ पढ़ा है क्या अपने लोगों ने? बुआ अपने में आज भी बुआ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आपने जैसा बताया यादव का एक उदास, यादव भी नीचे जाति के लोग हैं, बहुजन समाज है। तो वही अभी अभी आस्ते आस्ते चेंज आएगा, जैसी पढ़ाई होती है ना वैसा आएगा। तो इसके यूनिटी में लोग जब तक ये नहीं मानेंगे कि बाबा साहब सबके लिए थे, पूरे सबके लिए थे, ये देखो बंदी किया, सबको बंदी किया है कि हम लोगों ने, कि हमारे ये तुम्हारे नहीं है, ये हमारे ऐसा नहीं हुआ। क्या जाति का प्रभाव ज्यादा है, जात मरने से उनका धर्म मरता है, धर्म मरने से उसकी जात नहीं मरती, कौन से भी धर्म में जाएगा ना तो ये जात लेके जाएंगे। जैसे कि क्रिश्चियनों में गए हैं उधर है ना, वो अलग ही है नगर के हमारे इधर के लोग। तो देखो कि ये सब विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, इधर होती नहीं। मैजिस्ट्रेट लोग घटना किया मगर घटना किधर, इधर ये काम करती है पुलिस, किधर अपने बाजू से काम करती है। हाँ कि अट्रोसिटी का कानून सौम्य करना चाहिए, ऐसा ये मरडा लोग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके बारे में जो अट्रोसिटीज का लॉ है वो सौम्य करो, किसके लिए, मारने वाले को, और हम बोलते हैं कि कड़क करो। एक ही कानून दो तरफ से चलवाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, कैसा? हाँ वो लोग बोलते हैं कि दलितों ने नहीं करा ले उनको फांसी देना चाहिए जो कुछ बलात्कार करता है उसको, और सवर्णों ने किया तो सौम्य करो, वही बोलते हैं। यानी एक मुंह से एक कायदे के बाद में दो इंटरव्यू लोग करते हैं कि शाहने लोग है क्या, मूर्ख है। ये जो चालू है ना संघर्ष, वो सत्ता के लिए है, और हिंदू में का है, हिंदू में का एक घटक मराठा बुलवाने वाला बहुसंख्यक महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में उनकी गद्दी जाएगी, इसलिए उन्होंने मराठा मोर्चा निकाला। तो बाकी हिंदू अभी अलग पड़े ना, उसका फायदा हम लोगों को मिलने वाला है, जैसा आरएसएस को मिलेगा वैसा हमारे पास भी हमारे लोग आ जाएंगे। सीधी बात है कि मराठा हम नहीं है, हम हिंदू भी नहीं है, तो हम क्या हो गए, हमारा अलग एक हो गया ना, तो उसको फोर्स आ जाएगा। अभी है जो कुछ धर्मांतर हो रहा है ओबीसी का, उसका नतीजा ही निकल रहा है। यानी हमें कोई लूज करने का नहीं, जो कुछ मिलेगा उसमें हमारा फायदा ही है, पॉलिटिकल यूनिटी। हम अल्पसंख्यक है, हमारा पॉलिटिक्स क्या होगा, पराभव का होगा। अल्पसंख्यक तो है लेकिन किसी के साथ में आपको अलायंस तो करना पड़ेगा, किन लोगों के साथ हमारे अलायंस करने लायक कोई नहीं। इनके पार्टी के नाम अलग होते हैं, इनका धर्म एक होने के कारण ये अंदर से एक होते हैं। जातिवाद, तुमसे तुम लोग जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे तो वो तुमको सपोर्ट क्यों नहीं करते? सभी ऊंचे जाति वाले लोग तुमसे ऊपर आए, वो क्यों नहीं, क्योंकि वो एक है। यानी तुमको एक होने की तना उनको जरूरत नहीं, आप लोगों को एक होने की जरूरत है, तो आप सत्ता के लिए उनके साथ जाते हो, और तो कैसा होगा तुम्हारा? पार्टी तो बनने वाली है, मेरा जीतने होता तो मैं दूसरी पार्टी से लड़ूंगा, फिर उधर कुछ मिलता है क्या देखेगा। ये अपने लोगों का जो गोरख धंधा है वो बंद होना चाहिए। क्या इसलिए होता है कि जो जो लोग हैं वो नेताओं के भक्त ज्यादा हैं और उनके सवाल कम? देखो छोड़ो, ये सब ढोंग है, नेता और अनुयायी ये सब ढोंग होता है।
क्योंकि फायदे के लिए जाते हैं ना बुआ के पास ये लोग आप ये मानते हैं कि कोई किसी की पूजा नहीं करता जब जरूरत जरूरत में जाते हैं। आदमी होना ये सही ये है हमारा हमारी अवधारणा ये है कि आदमी का आदमी ही रहना चाहिए। बुआ क्यों बनता है और ईश्वर क्यों बनता है वो अल्लाह क्यों बनता है क्या जरूरत है। लोकशाही में ये मूल्य सब खत्म होनी चाहिए लेकिन हमारी लोकशाही चालू ही नहीं। हमारी लोकशाही में अभी भी सामंतवादी फ्यूडल एलिमेंट अभी भी हावी है। देखो मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान में सब जातिवाद वगैरह सब पुराने मूल्य है और भारत में सब नए नई संविधान है तो हिंदुस्तान और भारत में फर्क है। हाँ हिंदुस्तान में मनुवादी आप कह रहे यस 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 और भारत मने मतलब आधुनिक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बराबर ये ही है। पर आजकल लगातार हिंदुस्तान बन रहा है नहीं हमारे सामने नहीं बन रहा पहले से बनते आ रहे हैं। अच्छा हम उसको दोषी नहीं दे रहे हम तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो 2014 में मई 2014 में बना 2014 में क्या मई 2014 के बाद भारत हिंदुस्तान बन गया मोदी जी के आने के बाद। हाँ नहीं वैसे नहीं मोदी आने के पहले से यहाँ पर वो लोग है ना यहाँ लेकिन देखो ये मैं जब गुजरात में पहली बार गया था दलित पैंथर का लेके जी तो वह आदमी जो वहाँ पर स्टेज पर आके खाली पीली बैठा था ऐसा ये मोदी कुछ उसका नाम उतना बड़ा नहीं था तभी भी वो उस स्टेज में 2-3 मिनट में मैंने देखा था यह आदमी क्यों आता है। तो हमारे जो वहाँ की मीटिंग में मोदी आते हैं फिर क्या ऐसा बाजू में बैठता था स्टेज पर कुर्सी लेके तो बड़ा रिवीलिंग रिवीलिंग चीज है। तो क्यों आता था हम क्या बोलते हैं वो उनको बताने के लिए आरएसएस वालों को दूसरा का क्या के लिए आता ये। और इन लोगों के संबंध अच्छे थे ये जो पिछड़ी जाति के चमार और वनकर ये जो लोग हैं ना वो उनके दोस्त थे। क्यों वो उनको ये पढ़ाता था पट्टी पढ़ाता ये मालूम नहीं मगर वो आता था और बैठता था। मैंने पूछा भी एकदम बात अरे ये आदमी क्यों आते तो कुछ नहीं जवाब ऐसा होता था। मैं अभी का 74 के पहले की बात मैं बोलता हूँ वहाँ पर दलित साहित्य की मूवमेंट भी फैली थी हम जाने के बाद जी बाद में ख़त्म हो गई। अभी कुछ कुछ लोग लिखते हैं बट कौन है ये मालूम नहीं गया नहीं मैं बात। तो बात यह है कि तभी से ही ये आदमी हमारे पीछे है हम लोग दलित लोग क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं ये चालू है उसी के लिए आता था दूसरे का। महाराष्ट्र के अंदर दलितों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है अभी बहुत आरोप लग रहे हैं। क्या अत्याचार तो पहले से ज़्यादा ही है उसको लाइट में आने के लिए समय नहीं था तभी कोई ऐसे लोग नहीं थे। अब आता है बढ़ नहीं रहा होता तो रहता ही है मगर उसका पुलिस तक पहुंच नहीं है या कानून तक उसको जाने को नहीं मिलता ये बात होता है। तो अब जो है आप अपने लेखनी में आप तो अब लेखन कर रहे हैं कि दलित पैंथर आप उनका मेरे को पसंद नहीं है पैंथर नाम भी तय बात पसंद तो किसन का नहीं काल जैसा बदलता है ना वैसा तुम सुधारना चाहिए विचार तुम्हारे अच्छे होने चाहिए और परिपक्व होने चाहिए। जाति प्रथा के खिलाफ तुम हो क्या नहीं इसलिए जाति प्रथा क्या है इसके बारे में हमारे लोगों ने कितना संशोधन किया है कितना लिखा है बताओ मुझे है आपने कुछ किताबें पढ़ी है बाबा साहब के बाद जी जी हाँ बाबा साहब के बाद आपने लिख दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि लोग बोलते हर एक आदमी लिख रहा है जाति का ऐसा नहीं उसके रीजन देना जाति प्रथा कैसे पनपी कहाँ से आई कैसे टूटेगी कैसे टूटेगी वो तो है मालूम है अगर जन्म कैसा होता है मालूम हो गया ना तो मरेगी कैसे मालूम होता है। लेकिन तो ये इसके बारे में हमारे लोगों ने क्या संशोधन किया है बाबा साहब के बाद। अब संशोधन तो ये हुआ मैं आपको बताता हूँ कि 1990 के बाद से मतलब एक मंडल की जो पूरी क्रांति हुई और एक प्रतिक्रांति भी हुई काउंटर रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन हुआ कि दलित पिछड़े सबको आदिवासी एक आइडेंटिटी का उनको लगने लगा। लेकिन जो ओवर टाइम वर्क करते हैं ना इंटेलेक्चुअल ओवर टाइम वर्क करते हैं ताकि इसको और डिस्ट्रॉय किया जाए तो एक सब आइडेंटिटी वाला इसी भी खड़ा हो गया खूब अच्छे से। इसके बारे में कुछ किताबें हैं
आप जो बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके बारे में लिखना है। मैं हाँ आपको बताता हूँ, फिर आप उसके जवाब दीजिएगा। तो अब जो जब मंडल के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार बनी थी 92 में, लेकिन उसके बाद फिर क्या होना शुरू हुआ? मछुआरों का भी एक नेता हो, उनका कोई भगवान, इस कम्युनिटी का भी एक भगवान, उस कम्युनिटी का भी एक भगवान, सारे लोगों के एक एक आरएसएस ने निकाल दिए, और वो अटेम्प्ट था कि हर एक कम्युनिटी का हीरो होना चाहिए। मैं एक सवाल के बाद पूछ रहा हूं, फिर कांचीराम उनमें से एक है। अब जो बताया ना आपने, ये आरएसएस वाले बना रहे, यही कांचीराम बना रहा था ना। कांचीराम ने इतने संत निकले हर जाति से, एक ये कैसा क्या ये किससे आए अभी? तो उसमें वो एक बात आप आपके विधान में अभी फंस गए हैं। नहीं नहीं, मैं कांशीराम को ही नहीं बोल रहा हूँ उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बामसेब के जो पूरे धड़े हैं, वो चाहे कांशीराम जी को मानते हो या किसी दूसरे को मानते हो, वो सब में ये लगता है ना बड़ा बड़ा पता। अरे उन्होंने लाया यार, काय के लिए तुम ये करते हैं, छुपा दे क्यों वो सत्य? उन्होंने लाया ये सब महाराष्ट्र में जो आया ना कांशीराम के माध्यम से। लेकिन वो ओरिजिनली ये बोल कांशीराम जी का जो अपना उसमें आया था, वो फूले अंबेडकर पेरियार श्री नारायण गुरु। ये देखो, फूले अंबेडकर पेरियार चलेगा, ये शाहू उधर के बीच में कैसा आता है? छत्रपति शाहू जी महाराज कैसा आता है? तो ये देखो देखो उसने क्या किया, उसका तिलक से झगड़ा था। अच्छा, तिलक ब्राह्मीण थे और ये मराठा था। इसको क्या चाहिए थे कि पुराणोक्त विधि के बजाय क्या वेदोक्त विधि में चाहिए था इसको, किसको? शाहू को। ये क्या पुरोगामी आदमी है? नहीं, पर वो ये बोलता है कि उन्होंने देखो, मैं याद अभी जो बोलता है उसका उत्तर आपने देना पड़ेगा। जी जी जी, आप इसी इधर उधर मत भागिए। मैं क्या कहता हूँ सुनो, कि ये अच्छा आदमी था, राजा था जी जी, हमारे बारे में बहुत उसको ये था, मगर ये विचार प्रवर्तक ऐसा आदमी नहीं हुआ, समाज बदलने वाला, इसका इन्होंने लाया इधर सब ढोंग। वो बोले कांशीराम और मायावती ने, वो बोले ये कुर्मी है, ये उत्तर प्रदेश में कुर्मी पे जो है, कुर्मी जाते बड़ी जात है ना, जैसे यादव बड़ी जात है पिछड़ों में, कुर्मी भी बहुत बड़ी जात है, और उनपे करने के लिए एक तरफ लाए पटेल को, सरदार पटेल को खूब। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मुझे ये कहना है कि इसके इस जाति प्रथा के ऊपर संशोधन किसने किया है क्या? बाबा साहब के बाद ना किसी ने, क्योंकि सब मार्केटिंग हो गई जाती जाति, जब मार्केट बन गई। देखो हम क्या कहते हैं भाषण करते वक्त, बहुत पुरानी है जाति व्यवस्था, मैंने वो तोड़ दी है, इसके खिलाफ मैंने लिखा है। ये पांचवी छठवी शताब्दी के बाद यहाँ पर पैदा हो गई, उसके पहले नहीं थी। और अभी भी मैंने एक लिखा है, उसमें पाली का एक बुद्ध का एक वचन दिया है, क्षत्रिय कौन होते हैं? जो खेती करता है वो क्षत्रिय होता है, ऐसा दीघ निकाय का मैंने वचन दिया है। यानी तभी तक जात व्यवसाय से निगड़ित थी, हीनता से निगड़ित नहीं थी, उसके बाद डेवलपमेंट हो गई। यानी बुद्ध के खिलाफ प्रतिक्रांति इन लोगों ने किया। मैंने इसका भी उदाहरण दिया, ये जो है ना नागार्जुन कोंडा का एक शिलालेख, उसमें वो शिलालेख में ऐसा लिखा है कि एक ब्राह्मीण का मुलगा, दीक्षित का मुलगा, चर्म कर्म करने वाला मुलगा होता, उसने दिया हुआ दान, यानी ये लेना उसके कुर्ते से आया, तो ब्राह्मण का मुर्गा चमार कैसा होगा? पहली बात तो व्यवसाय थे वो, तभी जात नहीं था वो। ये आम तौर पर, यानी ये दूसरी वो इसी संपूर्ण दूसरी शताब्दी के। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब कह रहे थे, मैं बोलता हूँ अभी सुनो, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, बाबा साहब के बारे में बाबा साहब ने उतना जाति प्रथा के खिलाफ लिखा या जाति प्रथा का संशोधन किया, हमारे लोग क्यों नहीं अभी करते? ये सब पीएचडी ऐसे लिखते हैं, बहुत पुरानी है। अरे मतलब क्या है, अब क्या करना है, डिमोलिश करना है? तो सबके ऊपर मैंने हल्ला चढ़ाया, मुझे क्यों डरते हैं वो ये है कि मैं उसका प्रूफ देता हूँ। अभी क्या हुआ कि जैसे अभी ये डिटेल भी जाना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात समय, उसमें एक रिएक्शन ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ कि अभी जैसे वो लड़की आई एस एक है, उसने जो है अपने इंटरकास्ट मैरिज का उसका एक अफेयर चला और वो प्लान किया कि मैं शादी करूंगा, जो लड़का मुस्लिम है। हाँ बराबर है, तो टीना टीना नाम नहीं, चलिए आपने बोले टीना डाबी,
अब उसमें जो है बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की वो कर रहे हैं कि साहब ये दलितों में ऐसे ही होता है कि जब लड़का जो है आईएएस बन जाता है तो या लड़की आईएएस बन जाती है तो दूसरी जाति में चले जाते हैं, हमारी जाति का एक आदमी को छोड़ दिया। वो जो है ना ये नागपुर के एक हमारे बहन से पैदा हुई लड़की है, उस बहन ने क्या किया वो डाबी करके, वो कौन सी जाति का पंजाबी मालूम नहीं, पाकिस्तान सवर्ण होगा, वो सवर्ण होगा और उसकी लड़कियां भी फॉरवर्ड है, तो उसको लगता है अगर 21 बरस के ऊपर की है तो वो खुद की शादी खुद का कर सकते हैं। हमको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हमको। देखो अभी वो करते हैं तो तुम इनकार कर गए। नहीं नहीं, लोग करने वाले लोग बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं अपनी चॉइस से। अरे यही माँ बाप ना अपना लड़का करता है तभी चुप बैठते हैं। हर एक घर में ये सवाल है क्योंकि विकृत इनका उनके ऊपर प्रेम है, इन लोगों पर ऊंची जाति वाली की। हमारे लड़के करते हैं, उसके बाप मर्डर बाप को मैं मेरा कार्यकर्ता होगा तभी मैं डांटता हूँ, अरे क्यों किया तुम, कुछ बोलते नहीं। यानी ये विकृति है, ऊंचे जाति के लिए आकर्षण, यही तुम्हारे गुलामी का कारण है। लेकिन ये नहीं लगता कि जब लड़के लड़कियां अपना आप जाएंगी तो किसी की तरफ जा सकते जिस दिन। अरे अरे मगर ये तो फिर बाबा साहब का क्या जरूरत है, बाबा साहब को लोग पढ़ते, बाबा साहब ने कहा ना कि भाई अपना दिमाग से चिंतन करिए, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी रहेगी ना तो तुम टिक सकते हैं, नहीं तो तुम सब बह जाओगे ऐसे ही। कल एक ही अछूत नहीं रहेगा, अगर ऐसा वो चीज जाती में घुसा हुआ होगा वो कभी किसको मालूम रहेगा कौन है क्या है। तो ये करने के बजाय फिर अस्मिता क्या चीज है और क्यों दी बाबा साहब ने, गौतम बुद्ध ने, सभी समान है ऐसा है तो समता के लिए लड़ो, मगर ऐसा नहीं उनमें घुल मिल कर, मतलब अपनी पहचान को खत्म नहीं कर रहा बेसिकली। ये अभी लड़की ने किया ये मूर्ख है ना भाई, उसको चांस मिला वो आईएएस बनी और 51% से भी वो पहली आई 51% मिला के, तो पहली आई तो ठीक है, अब उसने वो जाहिर करने की जरूरत क्या थी टीवी पर आने की, जारी हो रही है क्या जरूरत नहीं, शादी तो पर्सनल मैटर है ना। हाँ बराबर है, करना जो उस लड़की के बारे में हम कुछ हो सकता है अभी भी काम करे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसने शादी कर दी तो समाज के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। ना ऐसा भी नहीं है, मगर समाज के प्रति अगर कोई निष्ठा होती तो ये करती ही नहीं थे ना, ये बात करती नहीं थी, जिम्मेदार अगर लड़की होती तो, इसका समाज के ऊपर असर होता है ना। कल 10 लड़कियाँ ये करेगी, परसों 40 लड़कियाँ ऐसा करेगी, ये सब ऐसा अगर शिक्षण का बर्ताव ये होगा तो ईश्वरवाद का खंडन नहीं होता है। मतलब ये एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपर कास्ट और दलितों में तो शादियां हो जाती हैं, लेकिन इंटरनली इधर शादियां नहीं हो रही हैं जहां बहुत दिन समाज में होनी चाहिए आपस में, तो अभी हो जाएगी। अभी ये लोग आए गए ना, अभी आने वाले 25 को आओ, सबसे परिचय आपका मैं करवा देता हूँ। तो बात ये है कि वैसा कुछ नहीं है, ये पुरोगामी होने की अलग अलग तरह है होती है। इस लड़के ने क्या किया, शिक्षण के जरिए वो ऊपर गई, उसका बाप कौन सी जात का अपने को मालूम नहीं, और पहले ही उसने माने हे किया, मिक्स मैरिज किया, तो इसने भी किया, माँ का कितना गिराया, इसलिए उसके घर में अभी अल्लाह आ गया। हम मानते नहीं अल्लाह को, हम किसी भी हिंदू देव को भी नहीं मानते, तो आया ना वो अंदर, मैंने बाबा साहब को एक तरह से उसने निकाल फेंका। नहीं वो तो उस तक भी वो शादी जो है वो सेकुलर मैरिज करें, ये भी संभावना होती है ना, सेकुलरिज्म नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर धर्म नहीं होता उधर सेकुलरिज्म नहीं होता, जिधर धर्म होता है ना उधर ही सेकुलरिज्म होता है, कि धर्म को नकारने वाले वो सेकुलर जी, वही तो यही व्याख्या है ना, बिल्कुल जो धर्म को नहीं मानते। हाँ और जो जिसको धर्म ही नहीं वो कैसा सेकुलर, वो गलत है, व्याख्या अलग है। तो मुझे मेरा ये कहना है कि अगर सेकुलर बनना है तो उसने जाहिर करना चाहिए मैं किसी देव को मानने मानता हूँ, ये करना चाहिए। बाबा साहब को जो मानने वाला होगा तो सेकुलर ही होगा ना, ये खुद किधर मानती है, लड़की नहीं मानती, उसको क्या मालूम है बाबा साहब कौन है क्या है, बोलती है कि मैं मानती हूँ। हाँ बोली बोली मैंने बोली कई बार लोगों ने पूछा तो उसने बोला। खैर ये लोगों की चॉइस है, बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, संघर्षों से समाज बनता है, सत्ता से नहीं बनता। नहीं संघर्ष करेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो नहीं। हमारा जो कुछ लड़ा है ना नीचे से ऊपर आने के लिए, और ऊपर के लोग हमको ऊपर नहीं आने देते, अगर आना है तो हमारे में मिक्स हो जाओ,
वो हो गई अपने पहचान खत्म, वो गैंग में गई ना, अभी मुस्लिमों के गैंग में हो गई, तो इसको हम क्या करें, कैसा करेगा? मतलब वो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, हम लोग बोलते समाज है। ऐसा कोई चॉइस नहीं होता है, समाज में रहते हो तो इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, समाज में अगर रहना है तो उसके कुछ है ना जरूरतें हैं वो पूरी करो, धैर्यवाद पूरा करो। समाज ऊंचा उठाने का, एक व्यक्ति को ऊंचा उठाने का नहीं सवाल। अंबेडकरी आंदोलन में जो शामिल लोग हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर पे, एक संदेश के तौर पे, कि क्या उनके पास में चुनौतियां, क्या करना है? देखो, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष किया है, जिंदगी भर किया है, मानवीय हक के लिए किया है, मानवीय उद्धार के लिए किया है, मन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया है, बहुत अच्छे विचार दिए हैं आप लोगों को, वो कभी नहीं छोड़ना। तो तुम्हें कोई गुलामी गुलाम करके नहीं रख सकते, फिर जाति हो या धर्म हो, मगर तुम अगर ये छोड़ेंगे तो तुम कल ये हो जाओगे, इस समंदर में गायब हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आज राजा धाले जी से जो हमारे साथियों ने सुना है पूरा अपना इतिहास, वो उसको ध्यान में रख करके अपने आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। ये ज़रूरी है कि हम लोग संघर्ष में लगातार शामिल रहें, और बिना संघर्ष के, जैसे उन्होंने कहा, हमारी अस्मिता समाप्त हो सकती है। आप सभी को जय भीम। आपने कंक्लूजन अच्छा निकाला।